जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांचवें टेस्ट मैच को भारत ने जीता है और इसी के साथ भारत ने इस सीरीज को 5-1 से जीत ली है। आप लोगों ने इंट्रो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंग्लैंड के बेजबाल क्रिकेट को लेकर उनको बहुत ही क्रिटिसाइज किया है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बेजबाल क्रिकेट जो खेलने आए थे इंग्लैंड वाले, उनका बेजबाल कहाँ घुस गया। दोस्तों अगर इस सीरीज में परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो भारत के तरफ से 5 प्लेयरों ने डेब्यू किया और सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। और इसी के साथ साथ यदि प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात किया जाए तो वो यशस्वी जायसवाल को दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है और इस सीरीज में 2 दोहरे शतक लगाए हैं, उसके साथ हाफ सेंचुरियां भी लगाई है। यही वजह है कि यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है। और भारत की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय खिलाड़ियों की बहुत तारीफ की है और पाकिस्तानियों ने माना है कि अब भारत टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत मजबूत टीम बन गई है और आने वाले दिनों में कोई भी अभी नहीं दिख रहा है जो भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम को हराए। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का भारतीय टीम के परफॉर्मेंस के बारे में। आप लोग इस पूरी वीडियो को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्यों भारतीय टीम की इतनी तारीफ की है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि भारतीय टीम ने जब ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी तो ऑस्ट्रेलिया को 2 बार उनके घर में हरा कर आई है, और जब इंग्लैंड गई थी तो इंग्लैंड के घर में टेस्ट सीरीज ड्रा करा कर आई थी, और जब इंग्लैंड भारत खेलने आई है तो इंग्लैंड की टीम 4-1 से हार कर गई है। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम का लोहा माना है और पाकिस्तानी मीडिया ने रोहित शर्मा की भी बहुत तारीफ की है, क्योंकि रोहित शर्मा ने यंग खिलाड़ियों को लेकर इस सीरीज को जीता है। हमारे सीनियर खिलाड़ी इस सीरीज में प्रेजेंट नहीं थे, जैसे श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और कई खिलाड़ी नहीं थे, फिर भी भारतीय टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंग्लैंड जैसी एक सीनियर खिलाड़ियों से भरी टीम के सामने। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया का तो साफ तौर से कहना है कि भारतीय टीम को अब हराना किसी भी टीम के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है, और जो बेजबाल टीम सभी जगह सभी देशों को हरा रही थी वो कह रही थी कि हम लोग भारत को भी हराएंगे, लेकिन भारत को नहीं हरा पाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने यहाँ तक बोल दिया है कि इंग्लैंड की टीम ने बेजबाल की शुरुआत पाकिस्तान से की थी और उसका हिंदुस्तान में जाते जाते दफन हो गया है। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने बेजबाल क्रिकेट को बिल्कुल दफन कर दिया है। अब इंग्लैंड वाले सोचेंगे कि हम बेजबाल खेले या न खेले। वैसे भी इस सीरीज में इंग्लैंड वाले बेजबाल नहीं खेल पाए हैं, बेजबाल तो उनके साथ भारत वालों ने खेला है और उनको बताया है कि बेजबाल कौन सी क्रिकेट है और कैसे खेली जाती है। यदि इससे सीख लेंगे इंग्लैंड वाले तो फिर वो नहीं कहेंगे कि बेजबाल क्रिकेट हम खेलते हैं। दोस्तों अगर इस सीरीज की बात किया जाए तो यह सीरीज खास करके युवाओं के लिए रही है, क्योंकि भारत की तरफ से 5 युवा बल्लेबाज बाजों ने तो इस सीरीज में डेब्यू किया है। इसी के साथ साथ शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ी पहले से थे लेकिन उनके पास ज्यादा मैचों का अनुभव नहीं था, लेकिन सभी लोगों ने रोहित शर्मा से कंधा मिलाकर चले और अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई है। यही वजह है कि रोहित शर्मा की भी बहुत तारीफ की जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों का भारतीय टीम के परफॉर्मेंस के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।